नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। पूरे भारत से जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उन सभी को बताना चाहूँगी कि आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आपकी सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। मुझे कुछ कमेंट मिले थे जिसमें विद्यार्थियों ने बोला था कि मैम पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इसी एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र दोनों को बहुत ही अच्छे से तैयार कराया था, ठीक है। बट आपको क्लास नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ लेते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, है ना। तो चलिए, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उसकी शुरुआत, उसका विकास कहाँ से होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है। तो वो 5वीं सदी याद रखना, 5वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक है, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र का विकास हुआ है, जहाँ में आते हैं प्लेटो, ठीक है। तो चलिए हम प्लेटो से स्टार्टिंग करते हैं। प्लेटो से पहले सुकरात आते हैं, क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात हैं। तो हम किन किन को हमें पढ़ना है ये भी ध्यान दीजिएगा। हमें पढ़ना है प्लेटो को, अरस्तु को, लोंजाइनस को, इलियट को, क्रोचे, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है रचनाकार हैं, ठीक है। तो आज हम प्लेटो को पढ़ने वाले हैं और बहुत चीज़ें जो है आपको नई नई मिलने वाली हैं। और यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न बनते हैं प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, या फिर UGC नेट परीक्षा हो, या फिर आपका PhD एंट्रेंस हो। ओके, चलिए। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, ठीक है, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा। अनुकरण होता है जैसे आपने किसी को कोई काम करते हुए देखा तो फिर उसको देखकर आप भी करें, ठीक है। जैसे ईश्वर ने ये संसार बनाया है और आप उसका अनुकरण करके कोई कला बना रहे हैं, कोई आर्ट बना रहे हैं, उसी को हम कहते हैं अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया है, प्लेटो ने दिया है। प्लेटो का समय क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे, यूनानी दार्शनिक थे। और प्लेटो का कालक्रम है 427 से 347। याद रखिएगा, मैंने अभी पहले रिकॉर्ड की क्लास तो उसमें वॉइस नहीं आई थी, तो मैंने लिखा था कि जैसे प्लेटो लिख रहा है तो यहाँ पे पा जो है आपका 4 की तरह बन रहा है, तो इससे मैच कर सकते हैं। 427 से 347 प्लेटो का समय है, 427 347, ठीक है, क्योंकि ईसा पूर्व में ऐसे ही चलता है, ठीक है। प्लेटो के गुरु सुकरात हैं और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आपको नई नई जानने को मिलेंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और डायरेक्ट मैं पुस्तक से ही पढ़ा रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाएं। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं, प्लेटो के गुरु सुकरात हैं। तो सबसे पहले आएंगे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जब क्रम से लगाने के लिए प्रश्न बनता है, तो 427 347। प्लेटो की रचनाएं हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, याद रखिएगा द रिपब्लिक और द लॉज महत्वपूर्ण है। होमर प्लेटो का समकालीन कवि था, जैसे आपका कोई मित्र है समकालीन हुआ। प्लेटो के लिए साहित्य की कसौटी है वो उपयोगितावाद है। प्लेटो कहता है कि साहित्य और काव्य तभी उपयोगी है जब उसकी कोई उपयोगिता है, ठीक है, मतलब उपयोगिता शब्द को महत्व देता है, जो उसके लिए उपयोगी है उसी को महत्व देता है प्लेटो। प्लेटो की मानता है कि एक गोबर से भरी टोकरी, समझिए यहाँ पे गोबर की जो भरी टोकरी है उसको महत्व दे रहा है, समझे आप, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर हो सकती है, मतलब शहर हो या गांव हो, यदि आपके लिए उपयोगी है तो है, नहीं है तो वो गांव हो या शहर हो, है ना। अब दास्ता को भी ये मृत्यु के समान समझता है, तो आप चाहे शहर में हो चाहे गांव में, यदि आप दासों की तरह रह रहे हैं तो व्यर्थ है, मिथ्या है, है ना, वो उपयोगी नहीं है। तो उसी तरीके से एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर हो सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती है। प्लेटो कहते हैं कि काव्य को मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति मानता है। मिथ्या मतलब झूठ, गलत, ठीक है, मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति मतलब कॉपी करना मानता है। प्लेटो कहता है कि कवि या साहित्यकार
जिन वस्तुओं अथवा काव्य का सृजन करता है वह पहले से ही भौतिक जगत में विद्यमान है, तो उनकी अनुकृति करने की या उनका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्लेटो कहता है। लेकिन इसके जो शिष्य है ना अरस्तु, उन्होंने इनका विरोध तो नहीं किया है लेकिन शब्दों को पलट दिया है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आपको आएगा कि प्लेटो ने क्या किया। प्लेटो ने अपनी यूनिवर्सिटी में अरस्तु को एडमिशन दिया और अरस्तु इतना जो है विद्वान था, इतना जो है इसने इसके व्यवहार ने या इसकी विद्वता ने इसके ज्ञान ने इतना प्लेटो को प्रभावित किया कि इन्होंने प्लेटो ने अपना नाम अरस्तु को दे दिया। समझे आप, अरस्तु का नाम अरस्तु नहीं था, ये इनके गुरु ने दिया, क्योंकि मेन नाम प्लेटो का जो है अरस्तु ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। तो सत्य मात्र अलौकिक अथवा प्रत्यय जगत है जहाँ ईश्वर ने नित्य सांचों में सामग्री भरकर इस जगत की रचना की, ये प्लेटो के शब्द हैं। इस लौकिक जगत में काव्य रचना भी मिथ्या है क्योंकि वह नकल की नकल करता है, अर्थात यह भौतिक जगत और उस अलौकिक जगत की नकल है। तो हमारे लिए ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ये इस समय की जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है, ठीक है, उस इसलिए पढ़ना आवश्यक है हमारे लिए। प्लेटो के अनुसार भाव या विचार ही सत्य है। प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो के अनुसार क्या सत्य है, तो भाव या विचार सत्य है। कविता अनुकृति मात्र है, मतलब अनुकृति की जाती है और किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो प्लेटो जो है होमर से भी प्रश्न करता है कि क्या कविता किसी के रोग को दूर कर सकती है, तो और स्वयं ही कहता नहीं। जैसे एक इंसान खड़ा है कोई आपका, आप उसका विरोध करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी उसका विरोध करें, राइट। एक इंसान का व्यवहार आपके लिए गलत हो सकता है, सभी के लिए नहीं हो सकता है, राइट। तो उसी तरीके से स्वयं ही इसने जवाब दे दिया कि ये गलत है, फिर कहता हाँ गलत है, दूसरे का जवाब नहीं सुना, राइट। प्लेटो कवि के बजाय डॉक्टर प्रशासक आदि को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, कविता उपयोगी है, काव्य उपयोगी है। यहाँ तक कि प्लेटो तो ये कहता है कि आदर्श राज्य वही है जिसमें कवि या सृजक नहीं है, साहित्यकार नहीं है, यदि है तो उसको निकाल दो, तब जाके आपका राज्य आदर्श राज्य कहलाएगा। लेकिन आपको पता है 1857 की क्रांति जो हुई है, जो हमारे यहाँ अंग्रेज थे उसमें दिनकर राष्ट्रकवि दिनकर थे, मैथिली शरण गुप्त थे और हरिश्चंद्र जी थे और ऐसे अन्य और भी रचनाकार थे, निराला जी थे, महादेव वर्मा जी थी, ठीक है, अन्य रचनाकार थे, उनकी कविताओं में इतना ओज था कि क्रांतिकारियों ने तभी जाके उनका विरोध कर पाए वो, है ना, इतनी ओजवान कविताएं थी, है ना। तो हम तो उसकी उपयोगिता मानते हैं। तो प्लेटो केवल उपयोगिता को महत्व देता है जो उचित नहीं है, क्योंकि कविता मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ नैतिकता का संदेश भी देती है और प्रेरणा का स्रोत भी देती है। तो ये तो हमने पढ़ा यहाँ पे प्लेटो के बारे में, अभी हम अन्य पुस्तक में भी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में और कुछ डिटेल्स से, राइट। चलिए तो साथियों, इस क्लास में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि हमारा जो कोर्स है वो अभी जो है क्लोज है, ठीक है, किसी प्रकार का भी कोई बैच नहीं चल रहा है हमारे इस चैनल के माध्यम से। हाँ, एक हमारी क्लास चल रही है बहुत तेज़ी से, उसमें 55,000 लोग उसको देख चुके हैं, तो वहाँ पे कमेंट आते हैं कि मैम क्लास की फ़ीस क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है, कोर्स कैसे ज्वाइन करें, ऐसे सब, तो ऐसे जो कमेंट आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर अभी कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया गया है, सारी क्लासेस फ्री हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट हो चाहे UGC नेट यूरोप का, चाहे उसमें इन्वायरमेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। साथ ही हिंदी की भी क्लासेस सभी फ्री हैं, ठीक है, उनको देखिए और तैयारी करिए यदि आपके लिए उपयोगी है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देखेंगे 5वीं सदी से विकास हुआ है, विकास परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, 5वीं सदी ईसा पूर्व से पाश्चात्य काल साथ, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण। फिर आप देखेंगे कि साहित्य की जो झलक मिलती है प्लेटो, सबसे पहले प्लेटो में मिलती है 427-347 इयोन नामक संवाद से मिलती है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जन्म मृत्यु देख लिया आपने 427-347, उसके बाद में जन्म स्थान क्या है, एथेंस है, मूल नाम क्या है, अरिस्तोक्लीन्स है, और ये अरिस्तोटीस नाम से अरस्तु का नाम है, और अरिस्तोक्लीस जो है वो अरस्तु प्लेटो का नाम है, ठीक है, अरिस्तोक्लीस, यहाँ पे समझ गए। गुरु ने इनको नाम दिया है प्लाटोन,
अरबी फारसी नाम अफलातून है, अंग्रेजी नाम प्लेटो है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये चारों नाम अरस्तु के हैं, ठीक है। इनमें से ये प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा अरस्तु का नाम, सॉरी यहाँ पे प्लेटो का नाम नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये रात्रि 12 बजे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा वॉइस आती है इधर उधर से, इसलिए मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ कि चाहती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई वॉइस ना मिले जिससे आप डिस्टर्ब हों, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए, तो प्लेटो है ये, अरस्तु के नाम नहीं, प्लेटो के नाम है ये। प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सा प्लेटो का नाम है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब प्लेटो प्रत्ययवादी है, आत्मवादी है, प्रत्ययवादी है, आत्मवादी है। इसके दर्शन के मुख्य पांच विषय हैं, प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमृत सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमृत सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, ये याद रखना। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय विचार ही चरम सत्य है, इन्होंने विचार को महत्व दिया है। तो यहाँ पे विचार जो है शाश्वत है, अखंड है, ईश्वर इसका सृष्टा है, ईश्वर ने जिसको बनाया उसी को महत्व देता है प्लेटो। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होता है, इसलिए इन्होंने सत्य से तीन गुना दूर कहा है कला को, त्रिधा अपेत कहा है, क्योंकि अनुकरण सत्य होता है। जैसे ये तो वस्तु हो गई और ये ईश्वर ने निर्माण किया, ये वस्तु है और ये इसका अनुकरण किया गया, इसलिए ये यहाँ से त्रिधा अपेत हो गया, ठीक है, ये तीन गुना दूर हो गया है। चलिए, प्लेटो ने यूनानी शब्द, ये पूछा जा सकता है त्रिधा अपेत किसने कहा है अनुकरण को, तो प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी डेरो नोटरी अर्थ में किया है, ठीक है, डेरो नोटरी इसको नाम दिया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है जो है। कला की अनुकरण मूलता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है, ठीक है, कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसको दिया जाता है, प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है और व्यर्थ ही किया है, क्योंकि इनके शिष्य ने तो अपने विचार दिए हैं। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है ना, कहता है कि अगर आप आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं तो कवि या साहित्यकार जो है उसको बाहर कर दीजिए, गलत है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिधा अपेत है, त्रिधा अपेत है, त्रिधा अपेत, याद रखना। प्लेटो की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, इओन है, क्रोटिलुस है, गॉर्गियास है, फेद्रुस है, फिलेवुस है, विचार गोष्ठी जिसको सेम्बोजियम कहते हैं, रिपब्लिक है और लॉज है। प्लेटो ने अपने इओन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। उसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। काव्य हेतु किसे स्वीकार किया है, ईश्वरीय उन्माद। पूछा जा सकता है ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने स्वीकार किया है, तो प्लेटो ने। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजिस संज्ञा से अभिहित किया है। यहाँ पे प्लेटो ने काव्य के तीन प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं, वो भी ध्यान रखना है। कौन से हैं तीन भेद, अनुकरणात्मक जिसको हम प्रहसन और दुखात्मक कह सकते हैं, वर्णात्मक जिसे हम डिथिरैम्ब या प्रगीत कह सकते हैं, और मिश्र महाकाव्य कह सकते हैं। प्लेटो ने प्रगीत के तीन अंग माने हैं, शब्द, माधुर्य और लय। प्लेटो ने प्रगीत जो है उसके तीन अंग माने हैं, शब्द, माधुर्य, लय। प्लेटो ने कला को आग्रह माना जिसके दो आधार दिए हैं, दर्शन और प्रयोजन। कला के मूल के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी है। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा है, उपयोगितावादी है और नैतिकतावादी है। प्लेटो का कला विषय दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय नॉर्मेटिव है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। तो ये तो थे प्लेटो जिनको हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है। आइए थोड़ा और जान लेते हैं कि
कि प्लेटो स्वयं एक कवि हैं, लेकिन इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ड्स में संकलित हैं। स्वयं तो कविताएं लिख दी और अब कहते हैं कि आदर्श राज्य बनाना है तो कवियों को और साहित्यकारों को निकाल दीजिए। कितनी व्यर्थ बात। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। आप कहीं भी हैं, यदि आप दास्ता में हैं, दास्ता मतलब दास की तरह कार्य कर रहे हैं, तो ये मृत्यु के समान भयानक है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा है प्लेटो को। आप लोग बता सकते हैं प्लेटो के गुरु कौन है, प्लेटो का जन्म समय क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अरस्तु को। अरस्तु का नाम देखिए अरिस्तोटेलेस है और प्लेटो का नाम अरिस्तोक्लेंस है। ठीक है, अरिस्तोक्लेंस है और अरिस्तोटेलेस, याद रखिएगा, अरिस्तु का नाम है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हाँ, आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद।